नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आईक्यू टेस्ट एजुकेशन चैनल पर। यूपीपीईटी 2022 के लिए इंडियन हिस्ट्री सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो आता है उसमें आज पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। आज ये सातवां लेक्चर है, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा जाएगा। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। जैसे कि गुप्त साम्राज्य समाप्त होता है तो हरियाणा का एक जगह है अंबाला, अंबाला में पुष्यभूत वंश की स्थापना होती है और ये वंश जो है पुष्यभूत वंश जो है अपने हूणों से के साथ हुए संघर्ष के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। संभवतः इस वंश का चौथा शासक प्रभाकर वर्मन था। प्रभाकर वर्मन के दो पुत्र थे, एक था राजवर्धन, एक था हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी उसका नाम था राजश्री। राजश्री का जो है विवाह जो है मौखर वंश के नरेश थे गृह वर्मन, उनके साथ उनका विवाह किया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि प्रभाकर वर्मन जो है मर जाते हैं, उनके बाद उनका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है और इसे जल्द ही मालवा के अभियान के लिए जाना पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि मालवा के सफल अभियान के बाद जब ये लौटने लगता है तो गौड़ नरेश शशांक ने इसकी हत्या कर दी। गौड़ नरेश शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। इस प्रकार से ये पुष्यभूत वंश की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद होता क्या है, और हमें इतना पढ़ना भी है, ये भी नहीं पढ़ना है सही पूछिए तो, क्योंकि यूपीपीटी के लिए बहुत विस्तार से नहीं पढ़ना है। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि किसी भी साम्राज्य के बारे में पढ़ाने से पहले आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दी जाए जिससे आपका लिंकअप हो सके, कायदे से पढ़ सके। और बराबर रट्टा मारने से भी काम नहीं चलता, रट्टा तो कुछ चीजें हैं उसमें मारनी ही पड़ती है। तो अब शुरू करेंगे, ये तो थी बेसिक जानकारी पुष्यभूत वंश के बारे में। अब बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है, राजगद्दी पर बैठता है। फिर ये जानकारी जो है बाण भट्ट कृति जो है हर्षचरित से मिलती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके परीक्षाओं में आ जाती है, ये रचना आ जाती है, बाणभट्ट से संबंधित आ जाती है। फिर होता क्या है कि बादामी के एक शासक था पुलकेशिन देती, इसने जो है हर्षवर्धन को हराया। ऐसा जो है उल्लेख जो है एहोल प्रशस्ति में मिलता है और एहोल प्रशस्ति जो है वर्तमान कर्नाटका में मिला था। अब दूसरे टॉपिक में बात करें तो यात्रियों का राजकुमार, नीत का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से जाने जाने वाला कौन, हेमसांग चीनी यात्री था, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। 630 से 640 के बीच भारत में ये रहा। हेमसांग के माध्यम से भी हर्ष के बारे में पूरी पूरी जानकारियां हमें अच्छे से मिलती है। फिर आगे क्या होता है, हर्षवर्धन जो है अपनी राजधानी कन्नौज को बनाते हैं और हर्ष का एक नाम मिलता है शिलादित्य के नाम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले के राजा जो हैं किसी न किसी उपाधि को धारण करते थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिलहाल बता देते हैं। हर्षवर्धन ने परम भट्टारक का उपाधि धारण किया, मगध नरेश की उपाधि इन्होंने धारण किया। हर्ष एक प्रतिष्ठित जो है नाटककार कवि था और इसने तीन रचनाएं की, नागानंदन, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये इनका नाटक था प्रियदर्शिका। हर्ष के दरबार में जो है बाण भट्ट, मयूर शर्मन, हरिदत्त, जयसेन जैसे प्रसिद्ध कवि भी रहते थे और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बाण भट्ट ही हैं जो हर्षचरित को लिखे थे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा का समर्थक होने के साथ साथ विष्णु और शिव भगवान जी का भक्त भी था, तो ये आप लोग जान सकते हैं। और ये जो है हर्षवर्धन जो है इससे पता चलता है कि वो बहुत ही सहिष्णु शासक रहा। और अगर विस्तार से पढ़ना हो तो किसी अच्छे किताब से पढ़िए हर्षवर्धन के बारे में, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। हर्षवर्धन अकबर से किसी भी मामले में कम नहीं था सहिष्णुता के मामले में। हर्षवर्धन जो है 643 ईस्वी में
643 ईस्वी में कन्नौज प्रयाग में दो विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया और जो प्रयाग में आयोजन हुआ उसे मोक्ष परिषद कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि हर्ष जो है अपनी साल भर की जो भी कमाई होती थी उसको वो दान कर देता था इस मोक्ष परिषद में, और अपनी बहन से वस्त्र को लेता था, मतलब उनसे उधार मांगता था, कर्ज के रूप में लेता था और फिर वो अपने महल में जाता था। हर्ष के प्रशासन की अगर बात की जाए, व्यक्तिगत रूप से जो है रुचि लेता था और ये अपने दिनचर्या को तीन भागों में बांटा था। सुबह का जो दिनचर्या होता था वो राज्य के शासन प्रशासन में काम किया जाता था, और जो दूसरा और तीसरा पार होता था वो धार्मिक था, तो इसलिए धर्म के कर्मकांड में ही व्यस्त रहता था। हर्षकालीन प्रमुख अधिकारी कौन थे? वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने सिर्फ चार लिखा है यहाँ पर, इसलिए लिखा है कि यही इम्पोर्टेंट है, बाकी इतने सारे हैं कि याद करते करते थक जाएंगे और कंफ्यूज भी हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो महाबलाधिकृत कौन होता था? सर्वोच्च सेनापति होता था। बलाधिकृत कौन होता था? सेनापति होता था। कहने मतलब आप इसको भी ये भी कह सकते हैं कि ये सेनापति रहता होगा और ये उप सेनापति रहता होगा, जहां तक है मेरा अनुमान ऐसा ही होता होगा। और महासंधि विग्रहाधिकृत ये जो होता था युद्ध और संधि के लिए नियुक्त अधिकारी होता था, अगर इसको युद्ध करना है तो तब भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका थी और संधि करनी थी तब भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वर्तमान में इसको आप मान सकते हैं विदेश मंत्री के रूप में मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विदेश मंत्री का ये सब काम होता है। और मीमांसक क्या होता था? तो न्यायाधीश होता था। तो इस तरीके से ये होता है लेक्चर समाप्त हर्षवर्धन के बारे में, जो कि बहुत छोटा टॉपिक था। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो और लेक्चर पसंद आया होगा। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक होता है समाप्त हर्षवर्धन का, बहुत छोटा टॉपिक था। अब आपको होमवर्क के रूप में मैं 10 क्वेश्चन देता हूँ जिन्हें आपको सॉल्व करने हैं, कमेंट बॉक्स में उसके आंसर करने हैं। तो चलिए आप अपना होमवर्क ले लीजिए। तो आपके सामने ये है 10 प्रश्न। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? हर्षवर्धन की राजधानी का नाम बताइए। हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या किस वंश के शासक ने की थी? हर्षचरित का लेखक कौन था? हर्षवर्धन को किस वंश के शासक ने हराया था उसका नाम बताइए। नीत का पंडित वर्तमान शाक मुनि जैसे उपाधि किसे मिली थी? हेनसांग से पहले कौन चीनी यात्री भारत आया था? ये थोड़ा आपके लिए क्वेश्चन कठिन हो सकता है अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है। बलाधिकृत शब्द का अर्थ बताइए। हर्ष ने मोक्ष परिषद का आयोजन किस स्थान पर किया था? हर्ष बौद्ध धर्म के किस शाखा से जुड़े थे? ये 10 क्वेश्चन है, आप फटाफट इसका आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे मत जाइएगा, गुरुदक्षिणा जरूर देके जाइएगा। गुरुदक्षिणा से तात्पर्य है कि आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और अगर पुराने हैं तो भाई लाइक भी कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, ये छोटा सा वीडियो था, कैसे था इसके बारे में भी कमेंट आप करिएगा। अगर किसी प्रकार का आपको सुझाव देना है तो वो भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।